तो नमस्कार आप सभी लोगों को। देखिए यार, वैसे तो मैं सीरियल देखता नहीं हूँ और ये जो रियलिटी शोज होते हैं वो भी मैं देखता नहीं हूँ, बट क्योंकि अभी मुद्दा ऐसा हो चुका है कि ये जितने भी पोटासियम ऑक्साइड्स हैं वो मुनव्वर को जिताने के लिए अपने सारे वोट दे रहे हैं और अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, जितने लोगों से हो सकता है उनसे वो वोट करवा रहे हैं, तो हम लोग पायल रोहतगी को क्यों नहीं वोट कर सकते हैं, क्यों उसे नहीं जिता सकते हैं जब वो अकेले उन सभी जिहादियों से लड़ रही है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसे जिताएं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि पायल रोहतगी एक हिंदू है और मुनव्वर एक मुस्लिम है, इसलिए क्योंकि मुनव्वर दूसरे धर्म के भगवान का मजाक उड़ाता है, उनके ऊपर चुटकुले करता है, उनके ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी करता है, लेकिन जब बात अपने रिलीजन की आती है तो कुछ भी नहीं बोलता। तो हमारे सोसाइटी के अंदर जो ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग हैं इनका हारना ज़रूरी है, वरना इनका जो मनोबल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो लोगों के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको हराना ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाइए और पायल रोहतगी को वोट कीजिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, क्योंकि पायल रोहतगी को हमारी अभी ज़रूरत है और वो जिन लोगों से लड़ रही है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए। वो चाहती तो सेकुलर बन के भी लॉकअप के अंदर रह सकती थी, बट वो नहीं रही, उसने लगातार हम हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाया। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनके साथ खड़े रहें। आपको कैसे वोट करना है पायल रोहतगी को वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। SMS के जरिए आप वोट कर सकते हैं पायल रोहतगी को, अगर आपको वोट करना है तो आप SMS के जरिए कर सकते हैं, एल्टबालाजी का जो ऐप है उसके जरिए कर सकते हैं, या फिर MX प्लेयर का जो ऐप है उसके जरिए कर सकते हैं। तो जाइए, जितने ज़्यादा तादाद में हो सकता है उतने ज़्यादा तादाद में पायल रोहतगी का सपोर्ट कीजिए।